देहरादून के वन अनुसंधान संस्थान परिसर स्थित आईसीएफआरई सभागार में आज भारतीय वानिकी अनुसंधान एवं शिक्षा परिषद और इंटरनेशनल यूनियन ऑफ फॉरेस्ट रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन द्वारा लचीला परिदृश्य विषय पर दो दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय संगोष्ठी शुरू हुई। इसमें भारत के साथ ही अमेरिका, ब्रिटेन, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, जर्मनी, नीदरलैंड, नेपाल, चीन, अर्जेंटीना, बांग्लादेश, भूटान, म्यांमार, इथोपिया, मलावी और श्रीलंका से आए 225 प्रतिनिधि भाग ले रहे हैं। आईसीएफआरई के महानिदेशक अरुण सिंह रावत ने बताया कि संगोष्ठी में जमीन से संबंधित पॉलिसी, तकनीक, गवर्नेंस के साथ ही फंडिंग से जुड़े विभिन्न मुद्दों पर देश विदेश से आए प्रतिनिधि विचार साझा कर रहे हैं। एक दिवसीय कार्यशाला है, इसका मुख्य उद्देश्य है कि जो हम लोग लैंड रिस्टोरेशन से रिलेटेड जो भी एक्टिविटीज हैं वो देश विदेश में किस ढंग से हो रही हैं, उसका यहां पे जो बाहर से जो एक्सपर्ट्स आए हुए हैं और हमारे देश के जो एक्सपर्ट्स हैं वो अपने जो है कि विचार साझा करेंगे और जो भी बेस्ट प्रैक्टिसेस होंगी उनको हम लोग जो है कि अपने यहाँ के लिए जो है कि अडॉप्ट करने के लिए रिकमेंडेशंस देंगे। इसमें पॉलिसी रिलेटेड इश्यूज है, टेक्निकल इश्यूज भी इसमें साथ साथ हैं, इसमें गवर्नेंस के इश्यूज भी हैं और इसमें इम्प्लीमेंटेशन से रिलेटेड क्या क्या दिक्कतें आती है, इसमें फंडिंग एजेंसी क्या क्या जो है कि कैसे सपोर्ट कर सकती, इन सभी पे जो है कि यहाँ पे विचार रखा जाएगा। दूसरी ओर नेशनल कैंप के सीईओ सुभाष चंद्रा ने कहा कि जमीन की गुणवत्ता में होने वाले नुकसान और उसकी रोकथाम पर चर्चा के साथ ही जल जंगल जमीन के ज्यादा प्रभावी ढंग से इस्तेमाल पर विशेषज्ञ अपनी बात रख रहे हैं। अंतर्राष्ट्रीय संगोष्ठी है रेजिलिएंट लैंडस्केप्स पर, क्योंकि जमीन का जो धीरे धीरे नुकसान हो रहा है जमीन की क्वालिटी में, उसको रिस्टोरेशन के लिए जिससे कि उसकी प्रोडक्टिविटी या उपज करने की क्षमता जो है बनी रहे, तो इस पे ये अंतर्राष्ट्रीय कार्यशाला है और इसमें दुनिया भर से विशेषज्ञ आए हुए हैं। यूफ्रो जो एक ऑर्गेनाइजेशन है, इंटरनेशनल यूनियन ऑफ फॉरेस्ट्री रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, इसमें सभी जो ऑर्गेनाइजेशन फॉरेस्ट्री की फील्ड में रिसर्च करते हैं उन सबका ये संगठन है, उसके और आईसीएफआरई और कैंपा ने भी इसमें ज्वाइन किया है। नेपाल से आए प्रतिनिधि प्रोफेसर कृष्णराज तिवारी ने खुशी जाहिर करते हुए कहा कि इस तरह की संगोष्ठी से काफी कुछ सीखने को मिलता है। मैं नेपाल से आए हैं, वन विज्ञान अध्ययन संस्थान है वो, इंस्टीट्यूट फॉरेस्ट्री कहता है, उसमें वन वातावरण और जलाधार व्यवस्थापन के बारे में वो पढ़ते हैं, अनुसंधान करते हैं, इसीलिए वही नेपाल के बारे में है वो एफआरआई देहरादून में इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस में राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय वो चाहे डेलीगेट साइंटिस्ट तक अपने नेपाल के बारे में छलफल करना है, अनुसंधान के बारे में छलफल उनसे तक यहाँ क्या है उसका अनुभव लेना है, इंडिया का क्या है उसके बारे में हम छलफल करने सीखते हैं, सिखाते हैं